हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं सिंधियों का फेवरेट सा नाश्ता। जब भी गेस्ट आए या कोई फेस्टिवल हो या घर पे कुछ अच्छा खाना हो तो बनाते हैं दाल पकवान। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस ट्रिपल के साथ बनाएंगे। और आप देखिए, हमें तोड़ने में मेहनत भी नहीं लगी। और मैं आपको चूर के दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और करारा सा बना है। इसी तरह का दाल पकवान आज हम बनाने वाले हैं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोमल्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैंने ये बाउल लिया है। बाउल में मैं 150 ग्राम चना दाल डाल रही हूँ। हमने चना दाल को भिगो के भी बना सकते हैं और तुरंत भी धो के बना सकते हैं। इसे मैं 3-4 पानी में भिगो के अच्छे से इसे बॉईल करना है। और आप चाहें, यदि आपको लगता है कि आप आराम से बनाना चाहते हैं तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो के भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे तुरंत धो के बॉईल कर दूंगी। मैंने कुकर में चना दाल धो के डाल दिया है। मेरी 1 कप दाल थी तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी और इसे 4 सीटी लगा के हल्का गल है। ज़्यादा हमें मैश नहीं करना है, हमें खड़ी खड़ी दाल चाहिए, उतने तक हमें इसे गलाना है। मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रख दिया है। छन्नी में डालूंगी मैं 1 कप सूजी और 2 कप मैदा। इन चीज़ों को हमें छान के लेने से हमारी चीज़ें अच्छी और करारी बनती हैं। और इसे हमें अच्छे से छान लेना है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। और अब हम इसमें डालेंगे घी की मोयर। आप चाहें तो तेल की भी डाल सकते हैं, लेकिन खस्ता चीज़ें बनाने के लिए हमें हमेशा घी की मोयर डालनी चाहिए। वैसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथ से ऐसा मसल के डालने से अजवाइन अच्छे से मैश हो जाती है। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करके एक टाइट सा डो बना देना है। जितना भी आप मैदा लेते हैं या आटा लेते हैं उसका आधा हमारा पानी लगता है। ये अच्छे डो की पहचान होती है। कभी कम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक अंदाज से आप लेंगे। यदि पहली बार आप डो गूंथ रहे हैं तो भी आपकी गलती नहीं होगी। आप देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। और घी की मोयन से ना ये चीज़ें ऑयली नहीं लगती हैं। फ्राई आप तेल में कीजिए, लेकिन जो डो में मोयन है वो घी की लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो हम तेल की भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चे पसंद करते हैं ऑयल फ्री खाना, और घी की मोयन से वो ऑयली नहीं लगता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को तैयार करते जाएंगे। हमारा डो बन के तैयार हो गया। इसी तरह का हमें डो तैयार करना चाहिए। ज़्यादा नरम होता है तो तेल ज़्यादा पीते हैं, टाइट होता है तो बेलने में हमें दिक्कत होती है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो अच्छे से रेस्ट कर गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के रोटी या पूड़ी के जितना हमें बड़ा बेलना है, जितना बड़ा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से हमें बेल देना है। मैंने एक पाटा लिया और मैंने ये लोई उसके ऊपर रख दिया। हल्का सा हमने उंगली से घी या तेल लगा देना है और उसका पूरी के आकार का हमें बेल देना है। यदि आपको बिना सूखे आटे से बेलते बन जा रहा है तो अच्छी बात है। यदि नहीं बन रहा है तो बीच बीच में हल्का सा आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर फोक लगा देना है। फोक लगाने से बीच में बबल्स नहीं आते और हमारा तेल नहीं भरता। बबल्स आने की वजह से तेल भर जाता है। इसी तरह मुझे सारे पकवान को बेल देना है। मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई पे मैंने अच्छी क्वांटिटी पे तेल रखा है। हम तेल को एक बार चेक करते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। मैंने हल्का सा तेल पे डाला, वो हमारा अच्छा सा हीट कर गया है। अब एक एक पकवान को हम डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। इसे हमें गोल्डन तक फ्राई करना है।
और अब देखिए तेल अच्छा गर्म था तो हमने डाला, ये ऊपर उठ के आ गया और ऐसे प्रेस करते करते हमें पकवान को फ्राई करना है, नहीं तो फूल जाएंगे, बुलबुले निकल आते हैं, उसमें तेल भर जाता है। हल्का सा हम प्रेस करते जाते हैं, बुलबुले नहीं निकलते हैं। हम एक साथ दो दो पकवान को भी फ्राई कर सकते हैं, कि आपकी कढ़ाई बड़ी है, साइड से आप एक पकवान को और भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में आराम से हमारे पकवान फ्राई हो रहे हैं। कम आंच पे तलेंगे, मीडियम फ्लेम पे, तो आपके खस्ते और करारे से बनेंगे, और तेज आंच में डालने से वो लाल तो हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा लगता है, इसलिए हमें कम आंच पे तलने पर उसे अंदर तक फ्राई हो जाता है। दो फ्राई कर दिया और दो मैंने कढ़ाई पे डाल दिया है, और इसे अच्छे से तेल निकाल के मुझे सारे फ्राई कर देने हैं। और ये देखिए हमने चार सीटी दिया है और हमारी दाल अच्छे से गल भी गई है, आप देख सकते हैं जैसे मसल रही है और खड़े खड़े दाने भी हैं। हमें इसी तरह की दाल उबालनी है और इसी तरीके से, सबके कुकर में अपने हिसाब से दालें गलती है, आप देख लीजिएगा आपके कुकर में किस हिसाब से दाल गलती है। मैंने इसे चार सीटी लगाया क्योंकि मैंने इसे भिगोया नहीं था, यदि भिगोई हुई दाल होती तो ये दो सीटी में भी गल जाती है। मैंने गैस पे एक पैन रखा है, पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही हीट करता है सबसे पहले हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों हमारा तड़कने लगा है, साथ साथ में हमें आधा चम्मच जीरा भी डाल देना है। साथ साथ में हम कुछ हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक, और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे दो तीन हरी लाल मिर्च। गैस को कम आंच कर देना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च। जैसे हम मसाले डालते जाएंगे उसके साथ साथ में चलाते हुए जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग से बहुत अच्छा दाल का फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब आप पूछेंगे पानी क्यों, कई बार हम तड़का लगाते हैं और हमारा तड़का ठीक होता है और हम दाल में डालते हैं तो तड़का एक जगह बैठ जाता है और दाल में बाकी प्लेन दाल दिखती है, तड़का एक जगह ठीक सा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के तड़के को बनाएंगे, तड़का अच्छा बनेगा और दाल डालते समय वो तड़का पूरी दाल में अच्छे से फैल जाएगा। इसमें जैसे ही इसमें उबाल आएगा हमें एक चुटकी हल्दी डाल देना है। हमारे पानी में अच्छा सा उबाल आने लगा है, अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तड़के के अंदर नमक नहीं रहता है, दाल के अंदर रहता है तो तड़का फीका सा लगता है, तो एक चुटकी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। दाल मैंने कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी से कच्चे टमाटर। पकवान के साथ दाल खाने में जब कच्चे टमाटर डालते हैं तो हमें सलाद की भी नीड नहीं होती है और दाल का ये स्वाद दुगना कर देता है। मैंने इसमें कच्ची प्याज भी डाल दी है बारीक कटी हुई, मैंने आधा टमाटर और आधा प्याज। जब भी आप किसी चीज़ के लिए टमाटर काटेंगे तो बीज का गूदा अलग करके काटिएगा, नहीं तो दाल के अंदर बीजे बीजे कच्चे आते हैं तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना तड़का। अब आप देखिए हमने पानी के साथ तड़का बनाया तो हमारी पूरी दाल में तड़का लग रहा है।
आप देखिए कहीं से भी दाल ऐसा लग रहा है कि हमने तड़का नहीं लगाया। थोड़े से तड़के के साथ हमारी पूरी दाल अच्छे से बन गई। अब उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हमारे पकवान भी बन गए हैं, हमारी दाल भी बन के रेडी है। आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। हमारे दाल पकवान बन के तैयार हो गए हैं। इसे आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें।